महासमुंद की सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक की टीम द्वारा उड़ीसा राज्य की ओर से आ रही संदिग्ध वाहन की NH-53 रोड ग्राम बेलारी के पास सघन चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध ट्रक को रोककर वाहन चालक से ट्रक में लोड सामान के संबंध में पूछताछ कर वाहन की जांच कर ट्रक में लोड लोहे का कबाड़ी सामान, पाइप राड, पुराने वाहनों का इंजन पार्ट्स आदि 11,16,000 रुपए कीमत का 24 टन 800 किलो कबाड़ जब्त किया गया है। कोरबा जिले के बालको में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गए, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक शादी का कार्ड बांटकर बालको लौट रहा था। घटना में बाइक ट्रक की चेचिस में घुस गई थी। जगदलपुर में तेज रफ्तार गैस सिलेंडर से भरी ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को मर्चुरी भिजवाया और घायल को मेकाज में भेजा गया है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ वनांचल परिक्षेत्र से कोल माफियाओं के खिलाफ अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा नगर निगम चिरमिरी के हल्दीबाड़ी खदान के समीप सेफ्टी जोन के पास अज्ञात लोगों द्वारा रखे गए कोयले को जब्त किया गया है। बलौदा बाजार भंडापारा पुलिस ने ग्राम सरखोर में IPL सट्टा खिला रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल और 4,500 रुपए नकद जब्त किया गया। बलौदा बाजार जिले में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची के घर में आने वाले एक युवक ने उससे रेप किया। वह घुमाने और कुरकुरे खिलाने के बहाने घर से बच्ची को ले गया था। इसके बाद उसने खेत में ले जाकर मासूम से रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले में लैलूंगा के सोनाजोरी से 3 बैग में गांजा लेकर अंबिकापुर जाने वाले बस में चढ़े युवक राहुल सिन्हा गढ़वा झारखंड निवासी को मुखबिर की सूचना पर रायगढ़ जिले के रौरुमा चौकी पुलिस की टीम ने 28 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बेमेतरा जिले में युवक की हसिया से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के समय घर पर युवक अकेला था। परिजन शादी कार्यक्रम में गए हुए थे। मृतक का नाम किशन साहू, उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है। मामला नामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदन चौकी के ग्राम बिटकुली का है। जगदलपुर के संजय बाजार स्थित AB पोल्ट्री फार्म के संचालक से 9,20,000 रुपए की अमानत में खैनत करने वाले शातिर आरोपी मुंशी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी के कब्जे से 8,58,000 रुपए और 2 मोबाइल एवं 1 स्कूटी वाहन जब्त कर बरामद किया गया है। जसपुर जिले में मोटरसाइकिल डिस्काउंट में दिलाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर देने का झांसा देकर 8 लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी भोज प्रसाद यादव निवासी ग्राम गाला एवं दिनेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। सूरतपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र में 22 अप्रैल की रात बांध में मछली पकड़ रहे व्यक्ति लल्ला को खाना खाने कहने पर गलत नियत से रिश्तेदार की लड़की से बात करने की जिद पर हुए विवाद में आरोपी पारसनाथ देवांगन ने लल्ला के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले के अर्जुना थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर निकले व्यक्ति से बीड़ी मांगकर उससे गांजा भरकर पीने से मना करने पर युवक द्वारा लोहे के चूड़े से वार कर मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी को अर्जुना पुलिस ने महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो शक्ति के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जबरन गर्भपात कराने के मामले में अभियुक्त पिता के विरुद्ध अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया गया। बेमेतरा जिले में पिकअप वाहन से घूम घूम कर लोहे की सामग्री चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को
बेरला पुलिस ने ग्राम हसदा में घेराबंदी कर एक नाबालिग सहित चार लोगों को पकड़कर 1,50,000 रुपए का माल जब्त किया है। कांकेर में दोस्तों के साथ घूमने गए भावेश देवांगन नामक युवक के घर नहीं लौटने पर स्वजनों ने उसकी तलाश की। युवक के दोस्त उसके संबंध में अलग अलग जानकारी देते रहे। पुलिस व गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में लगाई गई। देर शाम युवक का शव रुद्री बैराज से निकलने वाली नहर में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शनों सहित अन्य आंदोलन पर रोक लगा दी गई है। इस रोक को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ भाजपा कोर्ट जाएगी। नया रायपुर में धरना दे रहे किसानों को हटाने के बाद अब प्रशासन किसान नेता राकेश टिकैत के कार्यक्रम को अनुमति देने से मना कर दिया है। किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन लाल चंद्राकर ने बताया कि जिला प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया, लेकिन टिकैत आएंगे और कार्यक्रम भी होगा। रायगढ़ घरघोड़ा लैलुंगा मार्ग में शनिवार की रात शादी समारोह से लौट रहे चार युवकों से भरे स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर पलट गई। उसके बाद कार सवार कार को छोड़कर परिचित के घर सोने चले गए। रविवार की सुबह देखे तो कार के चारों चक्के गायब थे। न्यायधानी बिलासपुर की पुलिस ने तड़के कॉम्बिंग अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने 47 वारंटी को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में स्थायी वारंट जारी था। इसके अतिरिक्त 80 से अधिक बदमाशों को पुलिस ने उनके घरों तक पहुंचकर अपराधों से दूर रहने की सख्त चेतावनी भी दी है। दुर्ग जिले के अंडा थाना से महज कुछ गज की दूरी पर अटल चौक स्थित जीएस मोबाइल व ऑनलाइन सेंटर नामक दुकान के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 10 नग महंगे मोबाइल व 35,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए हैं। रायगढ़ जिले की जूट मिल क्षेत्र की नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने वाले आरोपी को जूट मिल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर देर रात इलाके में छापेमारी कर हिरासत में लिया गया, जिसे छेड़खानी सहित पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सुकमा से 15 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने रविवार रात को एक यात्री बस में आग लगा दी। यह बस सुकमा से कोंटा से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी। सड़क पर पहले से घेराबंदी किए नक्सलियों ने पहले बस को रोका और फिर यात्रियों को पहले नीचे उतारा और बस में आग लगा दी। इससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है।